रोज हम भी मटन चिकन खाते हैं, रोटी भी बनाते हैं। अरे मटन से मजाक करने बोल रहे हैं? सही बात है, देख ले आप भी खाइए, आप भी बॉडी बनाइए। तुम टाइट बॉडी बॉडी है, मटन चिकन का बॉडी एकदम रिजल्ट है, आरा का नंबर वन बॉडी है यहाँ पर। आरा का पूरा बिहार मान लीजिए, पूरा बिहार में नंबर वन पर यहाँ पर है। तो आप एक दिन में किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, बारिश भी हो रहा है और यहाँ पर खाने के लिए आ रहे हैं, टेस्टिंग है बहुत मस्त। बारिश में पूरा भींग के? हाँ एकदम पूरा भींग कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आने पर जो यहाँ का बना हुआ मिलता है ना खाना, वो कहीं नहीं मिलता है। चंपारण मीट हाउस है जो मीट के लिए स्पेशल है। मीट के लिए स्पेशल है, जाते हैं लोग, छपरा से भी जाते हैं लोग, बक्सर से भी लोग आते हैं। क्या दूर दूर से आते हैं लोग खाने के लिए? छोटा खोसी मेरी खासियत रहता है, अच्छा लगता है, रेसा वैसा नहीं रहता है, दांत में नहीं फंसता है। अच्छा, बड़ा माल रहने में दांत में फंसता है, गलता भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ गल जाएगा। बेतिया हमारा चंपारण के भी लोग चलावे ला खाए यहाँ। अच्छा, बेतिया के लोग भी यहाँ आके आराम आते हैं खाने के लिए। बनाते बनाते हम लोग थक जाते हैं, पब्लिक यहाँ का नहीं थकते हैं लोग। रात में 10 बजे इतना ना भीड़ होता है जो हम लोग सकते नहीं है, भाग जाते हैं काम छोड़ के, का करें, इतना कहाँ से बना के हम लोग पूरा करें। कितना बन जाता है? 200 बन जाता है। हमारा भोजपुरी इलाका का भोजपुरी हंडी तैयारी हो गया। ये बक्सर के बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं खाने के लिए यहाँ, कम से कम 150-200 हंडिया रोज हम बनाते हैं। कितना हंडिया? 150 80-90 तो 200 हो ही जाता है दिन भर में। ये मटन स्टू है, इस सीना का पीस है, नंबर वन पीस है। अच्छा, ये भी मटन का नंबर वन पीस है। कैसे पता चलता है? बकरी का पहचान आ जाएगा पीसे से। देख रहे हैं पीस कितना अच्छा दिख रहा है, देखने में खुशबू भी बकरी के पीस बनाएंगे ना तो टूट जाएगा, ढह जाएगा, लूज हो जाएगा। जैसा कस्टमर को आते हैं, चाप चाहिए तो चाप देते हैं, आराम देते हैं, सब उठा उठा सब देते हैं। हम लोग तो एक हंडी आप ही खा लेते हो? हाँ, एक किलो ले खा जाते हैं मटन चिकन लेकर। 130 का प्लेट है, 2 पीस मटन, हाफ चावल, 130 में हो जाता है। नंबर वन स्पेशल मटन हांडी बोलते हैं ना, यहाँ पे निकला जा रहा हो, क्या ग्रेवी हांडी तो बहुत आप लोगों ने खाया होगा, पर एक बार अगर आरा में भाई साहब फिर से एक नए से ब्लॉग में एक नई से जगह पे हम आ चुके हैं आपके शहर आरा में, और आरा में आपको खिलाने वाले बोलते हैं ना नंबर वन हांडी। एक दिन में 200 से ज्यादा यहाँ पे हांडी बन जाता, तो चलेंगे टेस्ट बताएंगे क्या। और रमना मैदान में आपको मिलने वाला इसका एड्रेस, और पीछे है आपको कचहरी मोड़ है, और इसी के ठीक सामने आपको मिलने वाला, ये देखिए बारिश हो रहा है पर कस्टमर लोग भींग भींग के यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। ये देखिए यहाँ दिखा दीजिए, कस्टमर लोग आते हैं भींग भींग के यहाँ पे खाने के लिए। तो चलेंगे और टेस्ट करेंगे यहाँ का मटन के स्टू का टेस्ट। थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो मेकिंग के लिए माफी मांगते हैं। नमक हो गई, आई कश्मीरी हो गई, आई गोलकी हो गई। मसाला कहाँ करता? ये मसाला हम लोग देखिए आप नाथ बनाते हैं, गरम मसाला है, गरम मसाला हो गया हम लोग को बना हुआ। आई मिर्चा पाउडर हो गई, आई हल्दी पाउडर हो गई। एक दिन में कितना हंडी निकाल लेते? एक दिन में 200-150 माने 80-90 ऐसे ही निकलता है, 200 पहुंच जाता है। बनाते बनाते थक जाते? बनाते बनाते सारा दिन चेहरा देख रहे हैं कैसा चेहरा हुआ है, थक गए हैं बनाते बनाते, दुबरा हो गए हैं बनाते बनाते। छापरा के के सब लोग आवेला, बेतिया हमारा चंपारण के भी लोग चलावेला खाए यहाँ। बेतिया के लोग भी यहाँ आके आराम आते हैं खाने के लिए? भैया बेतिया मनी घर हो, दूसर का ब्रांच धोबिया घाटवा है, अरे में है। सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हैं आरा के लोग यहाँ? मटन चिकन खाते हैं बहुत, यहाँ से इतना मटन चिकन कहीं नहीं खाते हैं लोग, मटन चिकन बहुत मटन चिकन। खाली देखिए ना मटका वाला, खाली मटका देखिए कितना है, देख रहे हैं 200 मटका धो के हम लोग फोरन मार के रखे हैं, सब एक दिन में बन जाएगा, पूरा बना दीजिए, बना जाएगा, घटेगा तो फिर। अच्छा, ये सारा मटका एक दिन में बन जाएगा? एक दिन में बन जाएगा, घटेगा तो और धो के फिर भरेंगे मटका। कैसे हुआ बनाते बनाते, गर्मी में थक गए हम लोग बनाते बनाते। घर है बेतिया चंपारण, बेतिया के स्पेशल कारीगर है, बेतिया घर है। हाँ बेतिया हम लोग बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाते हैं। कितना साल से बना रहे हैं आप यहाँ? हम तो 14 साल से बना रहे हैं। 14 साल से यहाँ पे दे रहे हैं? हाँ, 6 साल यहाँ हो गया, पटना काम कर रहे थे। अच्छा, सही बात है। ये देखिए हम लोग मसाला है ही है, हम लोग कमेश मसाला हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं ही। ये सब हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, ये मीट मसाला। चिकन 600 तेल गरम करके डालते हैं, तेल गरम करके फोरन में डालते हैं। और ये क्या है? ये लहसुन पेस्ट हो गया। अच्छा, लहसुन पीस सारा कुछ अब खुद? हाँ, खुद अपने आते हैं हम लोग, खुद बनाते हैं। चलिए, हांडी सब भर दिए हैं पहले से? भर दिया भाई साहब। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है? सब मसाला तसाला, प्याज व्याज, तेल लहसुन वसुन पेस्ट, सब कच्चा, बिल्कुल कच्चा बा। अच्छा, एक हांडी में कितना मटन रहता है? 1 kg। 1 kg? 1 kg। और तेल कितना डालते हैं? तेल 150 ग्राम। 150 ग्राम? 150 ग्राम। दिन भर में कितना बन जाता है? ये 200-190 पार हो जाता है? हाँ, पार हो जाता है, 200 से पार हो जाता है। 200 से पार होता है एक दिन में हांडी खाली? मतलब ज्यादा आ रहा है कि लोग
यहाँ मटन हंडी और चिकन हंडी बनता है, स्टू कम बनता है, स्टू कोई खाने वाला नहीं है यार। अच्छा, यहाँ शौक है ज्यादा मटन हंडी या चिकन हंडी खाने के। अच्छा, हाँ लगा रहे हैं कि गैस से पकेगा, एक घंटा के बाद खुलेगा, ही एक घंटा के बाद खुल के हिला के तब चला के रख देंगे। मतलब भर दिया पहले से, देख रहे हैं सब। एक बार में कितना हंडी बनता है आपका? एक बार में 18 हंडी बनता है, उतरता है। तो आराम आराम से बनाते हैं, जल्दी में जल्दी बनता है, तब तो यहाँ सकते हैं हम लोग, नहीं कहाँ सकेंगे। अच्छा, बहुत भीड़ लगता है, एक घंटा के 12 बजे के बाद पूरा भीड़ लग जाएगा। अच्छा, पूरा भीड़ लग जाएगा तो हम लोग चलने का फुर्सत नहीं मिलेगा। हमारा भोजपुरी इलाका का भोजपुरी हंडी तैयारी हो गया। ये बक्सर के बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं खाने के लिए यहाँ। कम से कम 150-200 हंडिया रोज हम बनाते हैं। कितना हंडिया? 150 80-90 तो 200 हो ही जाता है दिन भर में। और फिर बंद रहता है? हाँ, ये रान चलता है, करल चलता है, सीना चलता है, चाँप चलता है, पुठा चलता है। अच्छा। पहले जी सब चलता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? यारा से, पटना से भी आते हैं लोग, छपरा से भी आते हैं लोग, बक्सर से भी लोग आते हैं। क्या दूर से आते हैं लोग खाने के लिए? हाँ आते हैं। हंडी में क्या क्या रहता है आपके? मटन चिकन रहता है, चिकन भी। ये मेरा सब हो गया तैयारी, माल उतरने वाला है, देखिए सब हो गया तैयारी। 8 बैठाए हैं, ये 1.5 घंटे के बाद फिर होगा। एक घंटा के बाद ढक्कन खोलते हैं हम लोग, 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा 50 मिनट यानी कि 40-45 मिनट में। कैसा रहता है आप लोग? खसी के बहुत यानी कि 7-8 किलो का माल रहता है, छोटा माल रहता है। अच्छा, छोटा खसी? छोटा खसी, छोटा खसी मेरी खासियत रहता है, अच्छा लगता है, रेसा वैसा नहीं रहता है, दांत में नहीं फंसता है। अच्छा, बड़ा माल रहने में दांत में फंसता है, गलता भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ गल जाएगा। चिकन बकरी का क्या पहचान है? नहीं, बकरी का पहचान है, खाइएगा तो लहसुन यहाँ पे कैसे बदलता है? बकरी का पहचान आ जाएगा पीछे से, देख रहे हैं पीस कितना अच्छा दिख रहा है, देखने में खुशबू भी बकरी के पीस बनाएंगे ना तो टूट जाएगा, ढह जाएगा। और मसाला भी देखिए, मसाला बाहर का रहता है आप लोग का? नहीं, हम अपना खुद हम लोग मसाला बनाते हैं। अच्छा, मसाला खुद बनाते हैं आप लोग? बाहर के मसाला खुद हम लोग बनाते हैं, अपना हाथ से बनाते हैं। और बहुत सारे जगह पे हम देखे कि मसाला बहुत डाल देते हैं, मसाला नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या? मसाला बहुत नॉर्मल रहता है, कम रहता है। हाँ, ज्यादा खाने कोई ज्यादा मसाला डाल देंगे तो कोई खाएंगे तो कहाँ पेट खराब। ज्यादा मसाला डालने से मटन का वो जो होता है ना खुशबू उशबू सब निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है, देख रहे हैं रोबन कितना आ रहा है। अच्छा, देख रहे हैं कितना जबरदस्त रोबन आ रहा है। फेमस आपका मतलब तो आरा का है, पूरा फेमस है। गरम गरम हंडी बनकर हम कस्टमर गरम गरम खाएगा, एकदम ताज़ा बनता है। यहाँ रोज का है कम से कम 160-170 किलो रोज खप जाता है। 160 किलो? 160 किलो डेली? रेयरली। अच्छा, खाली मंगर छोड़ाकर बीएफए छोड़ाकर बाकी दिन रोज। मतलब बोले तो पूरा आरा का फेमस? आरा का पूरा फेमस है, खोजिएगा गूगल पर, इसी पर सबसे नंबर वन है, खाइएगा तो खुद मालूम चलेगा। अच्छा, स्वाद में एकदम जवाब है, स्वाद में जवाब मिलेगा यहाँ। आग पर चढ़ा दिए हैं, 18 को उतार दिए हैं, फिर 18 को बैठा रहे हैं। मतलब देखिए 10 मिनट में मतलब भर बनते रहेगा, मतलब तुरंत बना, तुरंत रहेगा। हाँ, तुरंत बनाएगा, 1.5 घंटे के बाद फिर दूसरा 18 को हंडिया चढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ बनता रहेगा, चिकन मटन दोनों बनता ही रहेगा। बनाते बोलिए, बनाते हम लोग तो थक, बनाते बनाते हम लोग थक जाते हैं, पब्लिक यहाँ का नहीं थकते हैं लोग। रात में 10 बजे इतना ना भीड़ होता है जो हम लोग सकते नहीं है, भाग जाते हैं काम छोड़ के, का करें, इतना कहाँ से बना के हम लोग पूरा करें। कितना बन जाता है? 200 बन जाता है, 200। ये देखिए कोयला तोड़ के अभी जल गया है कोयला, जाओ अब इसी को रख देंगे, 1-1.5 घंटा के बाद खोलेंगे। एक बार में कितना हंडी बनाते हैं? 18 को। 18 हंडी बना देते हैं? एक बार में 18 को बैठेगा पूरा। सबसे ज्यादा लोग यहाँ आरा में क्या पसंद करते हैं? यही मटन चिकन, बहुत आराम में मटन चिकन खाने वाला है। मटन कौन सा? मटन हंडी, स्टू तो कम चलता है, हंडी ज्यादा चलता है, हंडी खाते हैं यहाँ पे लोग। और एड्रेस क्या होगा आप लोग का? हम लोग का एड्रेस चंपारण है, चंपारण घर है, बेतिया जिला। यहाँ का एड्रेस और एड्रेस क्या होता है? 10 बजे से लेके 10 बजे तक रात तक। जगह का नाम क्या हुआ? ये रामना है, आरा रामना। और कचहरी के बाद बोलो? कचहरी ब्लॉक रो सब है, कचहरी के ब्लॉक। हाँ, कोर्ट के सामने हम लोग है। अच्छा। आगे कोर्ट है जो सामने हम लोग दुकान खोल कर रखे हैं, रामने भी सामने है, रोडे पर है। कौन हांडी है? ये बन के तैयार हो गया है, देखिए ये मटन है। एक दिन में 200 प्लस होता है। 200 से प्लस हो जाता है? 200 प्लस। बॉडी बिल्डर आप लग रहे हैं। रोज हम भी मटन चिकन खाते हैं, बॉडी भी बनाते हैं। अच्छा, मटन से? मटन मजाक करने बोल रहे हैं? सही बात है, देख लेगा, आप भी खाइए, आप भी बॉडी बनाइए। देखिए देखिए तुम टाइट बॉडी। हां बॉडी देखिए। हां अब बोलिए, आरा का नंबर 1 बॉडी है। अच्छा, मटन खा के बॉडी बनाए? मटन खा के मटन। ये देखिए आरा का नंबर 1 हांडी है, हम भी खाते हैं रोज कम से कम। आप भी खाते हैं? रोज हम खाते हैं मटन, खुद खाना मटन से पता चलता है कस्टमर को। टेस्ट टेस्ट पूछिए मत, नंबर 1 टेस्ट है। अच्छा, 200 प्लस होता है रोज। अच्छा, एक दिन में 200 प्लस पार हो जाता है? प्लस हो जाता है। और रोगन देखिए, बोलते हैं ना जबरदस्त टाइट रोगन वाला, वो आपको एकदम खाने मिलेगा, सारा पीस मिल रहता है, सब पीस रहता है, सब मिक्स रहेगा, जो पीस खोजिएगा जो पीस मिलेगा। अच्छा, जो रहेगा तो। और एक हंडे में कितना रहता है किलो?
एक केजी एक हांडी में रहता है। अच्छा, एक हांडी में एक केजी रहता है, वजन भी करके मिलता है। देखिए थोड़ी जी है, देखिए मटन है, एक हांडी में एक किलो रहता है। खसी बढ़िया रहता है, खांसी रहता है, दम बढ़िया, प्योर खांसी लाते हैं अपना से सामने कटा रहता है, बड़ा खसी मीडियम खांसी रहता है। छोटा खसी में क्या खाते? 130 का प्लेट है, दो पीस मटन हाफ चावल, 130 में हो जाता है, आराम से हम खा लेगा एक आदमी। चिकन का ये 110 का प्लेट है, 4 पीस रोटी, 150 ग्राम चिकन, मतलब तोल के देते हैं चिकन को, तो वजन करके देते हैं 150 ग्राम। ये मटन स्टू है, इस सीना का पीस है, नंबर वन पीस है। अच्छा, ये भी मटन का नंबर वन पीस है। ज्यादा मतलब हांडी ज्यादा लोग हांडी खाते हैं कि मटन खाते हैं? दोनों खाते हैं, ये तो 2 बजे ले खत्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा हांडी यहाँ चलता है। अच्छा, मटन स्टू का भी डिमांड है, पर उतना नहीं, उतना नहीं है जितना मटन हांडी का। मटन हांडी एकदम जबरदस्त जबरदस्त है, कहिए मत। प्राइस क्या रहता है एक पीस मटन चावल का? इसका 130 का प्लेट है, 2 पीस मटन स्टू है। अच्छा, दम गर्मे गर्मे मिलेगा, गर्म भी रहता है 24 घंटा। 24 घंटे इसमें गर्म रहता है? गर्म रहता है, मतलब बना के आता है यहाँ पे रखते हैं, फिर खत्म होता है, फिर बनाते हैं, फिर बनता है। अच्छा, और क्या गजब का रंगत है मटन स्टू का, एकदम जबरदस्त है, सारा पीस इसमें 12 पीस रहता है। 130 में दम पेट भर जाएगा आपका, 2 पीस मटन हाफ चावल मिलेगा, चावल भर जाएगा, पेट भर जाता है एक आदमी के लिए, आराम से एक आदमी के लिए 130 में हो जाता है। अच्छा, चुस्ता तो हम लोग भूले गए, चुस्ता भी रहता है? ना, चुस्ता नहीं रहता, जो पीस खोजिएगा इसमें रहता है, मिल जाता है, नल्ली सीना जो बढ़िया पीस रहेगा आप खोजिएगा, मिल जाएगा, देख लीजिए पीस जबरदस्त रहता है, लड़ आपका पसंद के मिल जाएगा। एक एक प्लेट में एक से एक उडल आता है, एक लड़ में दे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मटन स्टू भी यहाँ पे आपको खाने मिलने वाला है, क्या गजब का रंगत है, बेहतरीन से बोलते हैं ना मटन स्टू, मतलब आरा का नंबर 1 वाला मटन, वो तो मिलने वाला है। चुस्ता यहाँ पे थोड़ा माफ करिएगा, यहाँ पे नहीं है, पर ऑर्डर पे जो लोग खोजना चाहते हैं मिल सकता है? हाँ, ऑर्डर पे हो जाता है, ऑर्डर पर मछली भी मिल जाता है, जो पार्टी शार्टी में रहता है, मछली भी ऑर्डर दीजिए, मछली भी बन जाएगा, चिकन मटन हांडी सारा कुछ सब हो जाएगा। और क्या बेजोड़ सा रंगत है आपके सामने, बोलते ना अगर आरा साइड में रह रहे हैं, अगर आरा साइड में रह रहे खोज रहे बढ़िया मटन चिकन स्टू, तो आपको मिलने वाला। अगर पटना से कभी आरा घूमने आए या कुछ काम से आए, तो आपको बोलते हैं एकदम जबरदस्त एकदम ग्रेवी वाला मटन एकदम शानदार सा, वो आपको एकदम यहाँ पे खाने मिलने वाला। तो लगवाएंगे अपना प्लेट और टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके बताते हैं कैसा यहाँ का टेस्ट रहता है, वो आपको हम शेयर करेंगे, बने रहे हमारे। नंबर 1 स्पेशल मटन हांडी बोलते हैं ना, यहाँ पे निकाला जा रहा हो, क्या ग्रेवी हांडी, तो बहुत आप लोगों ने खाया होगा, पर एक बार अगर आरा में है रह रहे हैं या पटना में रह रहे हैं, पटना में भी बहुत हांडी मिलता है, यहाँ पे अगर एक बार टेस्ट करिए, ये देखिए तो बोलते हैं ना गजब का रंगत, गजब का टेस्ट, कलेजी भी रहता है? कलेजी भी मिलता है, सारा पीस रहता है, सब पीस रहता है इसमें। अच्छा, 4 पीस मटन का क्या प्राइस है? इसे 250 ग्राम का हो जाएगा, 225 रुपये। अच्छा, 225 रुपये वजन से मिलता है, 250 ग्राम है सारा वजन पर से सब। अच्छा, और ये देखिए क्या लटपट झटपट सा ग्रेवी है, इसके साथ क्या क्या खाने मिलने वाला? यहाँ रोटी चावल जीरा राइस, इसके साथ क्या क्या खाने मिलने वाला? रोटी भी है, सादा रोटी मिलेगा आपका 5 रुपये पीस है। अच्छा, चावल फुल प्लेट 50 रुपये प्लेट है, जीरा राइस। जो लोग पराठा के शौकीन है वो सब नहीं, यहाँ सादा रोटी मिलता है 5 रुपये पीस, जीरा राइस 50 रुपये प्लेट। अच्छा, फुल प्लेट मिलेगा आपका, आराम से खा लेगा एक आदमी का दम 50 रुपये में पेट फुल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा स्पेशल जो मटन हांडी स्पेशल है जो, तो दोस्तों हमारा स्पेशल जो मटन स्टू है ना आरा का, और स्पेशल हांडी वो हमारे सामने आ चुका है, और प्लेट में अच्छे से सर्व हो चुका है, ये देखिए सामने आपके, और जो खुशबू है ना वो काफ़ी बेहतरीन से, मतलब बोलते ना एक दिन में यहाँ पे 200-300 हांडी निकल जाता है, मतलब आपको पता चल जाता होगा, मतलब टेस्ट इतना बवाल रहता हुआ कि 200-300 मतलब सॉरी 200 हांडी पार हो जाता है यहाँ पे, मतलब आराम है। पटना में तो आप लोग हर जगह खाए होंगे, वैसे तो मैंने भी देखा कि हांडी हर जगह बनता है, पर आराम में नहीं पता था कि इतना हांडी, पहली बार भी चंपारण में एक दिन में 200 पार हांडी निकल जाता है। और ये देखिए क्या गजब का जो खुशबू है ना बेहतरीन, मतलब यहाँ के जो कारीगर हैं वो बोलते हैं कि बनाते बनाते थक जाते हैं, मगर लोग यहाँ पे खाते खाते यहाँ पे लोग थकते नहीं है। और ये देखिए काफ़ी टेस्ट का जो बोलते हैं ना ग्रेवी, वो एकदम बेहतरीन सा है, और लहसुन का पोट मिला है, ज़बरदस्त रंगत है। और आएंगे हमारे मटन स्टू के पास भी, पर यहाँ पे ज़्यादा लोग एक चीज़ है कि यहाँ पे पसंद ज़्यादा लोग यहाँ पे आरा के लोग हांडी खाना पसंद करते तो ग्रेवी आप चेक करें, बोलते हैं ना पेट गाढ़ा एकदम भरपूर मात्रा में ग्रेवी, ये देखिए एकदम शानदार सा ग्रेवी है। और सब ये आपको लहसुन का पोट मिलेगा, हर आप मांग सकते हैं स्टू पे मिलेगा आपको एक लहसुन का पोट। और ये देखिए पीसेस भी काफ़ी बढ़िया आपको तो मिलने वाला, सारा पीस लिए हैं, कलेजी भी है, नली वाला, थोड़ा पीस अलग अलग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमेशा नली खाते रहेंगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, हर पीस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि
हर पीस में एक अलग मजा रहता है, नल्ली का अलग मजा रहता है, गुद्दा का अलग मजा है, तो इसलिए थोड़ा सा पीस चेंज किए हैं आज। गुद्दा वाला पीस है, थोड़ा करेली वाला पीस है, थोड़ा सा मिला वुला के लिए हैं। तो बिना देर किए जायका को टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए आपको तावा रोटी यहाँ पे मिलने वाला है और साथ में आपको जीरा राइस भी मिलने वाला है। तो ग्रेवी टेस्ट करेंगे यहाँ का, काफ़ी टिमटिमा सा ग्रेवी और सॉलिड ग्रेवी बोलते हैं ना, सॉलिड हार्ड, थोड़ा सा देखते हैं मिलता कि नहीं। मैंने आपसे कहा था ना 200 पार हांडी एक दिन में निकल जाता, तो टेस्ट तो पता ही चलता ही है, बवाल एकदम बवाल, धूम मचा देने वाला एकदम, बोलते हैं ना भोजपुरी वाला टेस्ट, वो दम मुझे मिला। मैंने अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक बार आके यहाँ पे विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ का टेस्ट काफ़ी बवाल टेस्ट है, ज़बरदस्त। एक बार और लेंगे, सॉलिड ग्रेवी एकदम बोलते हैं ना, टाइट रोगन वाला एक नंबर। गजब। और मसाला भी यहाँ का कोई बाहर का यूज़ नहीं होता, सारा मसाला खुद का इनका रहता है, खुद बनाते हैं। और ये देखिए गजब का ग्रेवी में एकदम मीठापन है, थोड़ा सा क्रीमी भी लग रहा है मुझे, और टेस्ट भी एकदम जैसा घर जब में जैसा बनता है स्टू चिकन में। और जो ग्रेवी का जो टेस्ट है ना, वो बोलते हैं ना बवाल टेस्ट, एकदम मीठा टेस्ट बोलते हैं ना, वो हमको मुझे मिला और काफ़ी एकदम बेजोड़ सा टेस्ट मिला है, आराम एकदम बोलते हैं ना। और देखते हैं, मेन तो मटन होता है, मेन टेस्ट तो मटन होता है। और ये देखिए सिंपली टूट गया, यहाँ पे यहाँ के लोग हलवा वाला पीस यूज़ करते हैं, तो हम भी एक नंबर गजब भाई, मुझे रहा ना जा रहा, एक बार और मारेंगे ट्राई, इसलिए टूट जा रही है। देखिए आपके सामने मटन है, ये देखिए थोड़ा दूसरा वाला पीस लेंगे, ये देखिए इधर ही टूट गया, अंदर तक पके हुए आपको मटन मिलेंगे, गजब मुंह में जाते हैं वो एकदम, ना ज़्यादा इसमें तीखापन है ना ज़्यादा, मतलब मीडियम है सारा कुछ, आपको एकदम मीडियम मिलेगा, तो मीठापन भी मिल रहा है, हल्का तीखापन भी मिल रहा है, मतलब मीडियम है सारा, बैलेंस है इस टू दम है ना, वो एकदम आपको एकदम बैलेंस मिलने वाला। लहसुन का पेड़ भी मिला है तो थोड़ा चीसेंगे, बवाल। तो सुना था, लोगों से भी सुने थे, पर यहाँ का टेस्ट जो बोलते हैं ना बवाल टेस्ट मिला, आ रहा है नंबर वन, तो बोलते हैं नंबर वन टेस्ट भाई आ रहा है, वो भी चंपारण, चंपारण तो चंपारण होता है, ज़बरदस्त। और अभी हम स्टू की तरफ भी आएंगे, उसको भी भरेंगे, तब तक इसको थोड़ा बंद करते हैं, मतलब ना ज़्यादा इसमें तीखा, मतलब सारे बैलेंस मसाला एकदम एक नंबर है, जैसे घर पे खाता है हम बैलेंस एकदम नॉर्मल दम होता है ना, गढ़ापन ग्रेवी भी एकदम लटपट सा है। और मटन का मेन तो मटन होता है, और मटन का टेस्ट भी एकदम बवाल धमाल है। और आ रहे हैं अगर किसी काम से या आप आरा साइड में रह रहे हैं तो एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद यहाँ पे आकर ट्राई करें और मेरे से कमेंट करके इस वीडियो में बताएं कैसा लगा आपको टेस्ट, एक बार आके विजिट करें। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा हूँ आरा में बिल्कुल जबरदस्त। और यहाँ पे हमारा हांडी भी है, तो उसको भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, और ये भी काफ़ी टिमटिमा सा, ये देखिए ना ज़्यादा खस्ती बड़ा रहता ना ज़्यादा छोटा रहता, मीडियम साइज रहता है मीडियम ना ज़्यादा। ये देखिए हड्डी से, अरे ये देखिए हड्डी से निकल चुका है ये हमारा हांडी, ये देखिए थोड़ा सा फंसे हुए हैं, गर्म है ना थोड़ा सा हल्का, ये देखिए इजिली टूट फूट गया, हाँ इसको मज़ा लेंगे थोड़ा सा, अरे कहाँ फंस रहा था, ज़बरदस्त। और देखते हैं इसका ग्रेवी, और ये देखिए रोगन आपको तो मिलने वाला साइड में, जितना ग्रेवी मांगे उतना ग्रेवी मिलने वाला आपको, हांडी के बेस में थोड़ा सा टेस्ट का ऊपर नीचे हुआ है, पर हांडी में जो टेस्ट था वो थोड़ा मटन स्टू में थोड़ा कम है, पर सॉलिड ठीक है, नॉर्मल है, मतलब ठीक है, टेस्ट एक नंबर है फिर भी। और ये देखिए यहाँ पे भी मटन, इसका भी मटन सॉफ्ट मिलने वाला है, ये भी एडवांटेज है, मतलब मुंह में जाते हैं ना घुल मिल गया, तब जैसे बोलते ना एक गुल्ला, वो वाला एकदम टेस्ट मिल रहा है मुझे, मीठा है मतलब ना ज़्यादा मीठा है ना ज़्यादा तीखापन है, नॉर्मल है, सारा बैलेंस मिलने वाला है। ये देखिए काफ़ी गजब का, और ये लर आपको एकदम मिलने वाला है, हर चाहे इसमें मिलने वाला या इसमें मिलने वाला है, तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट यहाँ का मिला।
और जीरा राइस के साथ ट्राई करते हैं। देखिए हल्का सा ऊपर से ग्रेवी डालें और ये थोड़ा सा मटन डालेंगे। ये थोड़ा सा ग्रेवी और इसके ऊपर थोड़ा सा मिला जुला के जीरा राइस के साथ, देखते चावल के साथ ट्राई करते हैं। मुझे, मैं तो शौकीन हूँ रोटी के साथ मटन के साथ, सबका टेस्ट अलग अलग रहता है। जो लोग चावल के शौकीन है तो कमेंट करें चावल के साथ कैसा लगता है। मुझे तो रोटी के साथ काफ़ी मज़ा आता है। जीरा राइस भी काफ़ी दम सॉफ्ट है, एक नंबर है। चावल के साथ ग्रेवी अच्छा लग रहा है मुझे खाने में, पर मैं तो रोटी के साथ शौकीन हूँ। काफ़ी बढ़िया दोनों, मटन स्टू भी और मटन हांडी भी बवाल है। पर मटन जो हांडी था ना वो एक थोड़ा सा, मटन हांडी जो था वो तो एक नंबर है, उसमें भी हटेज ऐसा बात नहीं, इसका भी जो है, पर इससे मटन स्टू थोड़ा सा बवाल। तो टेस्ट जो बोलते हैं ना काफ़ी दम बवाल मिला, क्योंकि एक दिन में 200 पार हांडी हो जाता है, तो टेस्ट का तो पता ही चल ही जाता है कि एक दिन में टेस्ट कैसा लगता है। मटन और स्टू हांडी दोनों का जो टेस्ट था ना, जैसा सुना था वैसा दम टेस्ट मिला, दम कमाल धमाल दम बवाल टेस्ट मिला। अगर आरा साइड में अगर आप रह रहे या कभी बाहर आना हुआ पटना से या किसी साइड से भी आ रहे हैं तो एक बार विजिट करें, यहाँ का दम टेस्ट आपको दम बवाल मिलेगा और प्राइस एकदम आपको दम जेन्युइन मिलने वाला है। आराम से एक आधी दम खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कुछ कस्टमर है जो देख सकते हैं बारिश में भींग भींग के, यहाँ पे देखिए बारिश में भींग कर आए हैं खाने के लिए। क्या बात है, बोलिए। साल भर से यहाँ पर खा रहे हैं, यहाँ पर भींग कर आते हैं, बारिश में आज हम भींग कर आए हैं खाने, बारिश में भींग गया है खाने के लिए। हाँ, हमेशा यहाँ पर टेस्ट हमको अच्छा लगता है और बहुत बेहतरीन है यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा हम आते हैं, डेली आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, साल भर हो गया हमको आते आते, बहुत बहुत मस्त लगता है। अच्छा, बहुत मस्त लगता है। हाँ, मटन का लजवाब है यहाँ का, कहने लायक नहीं है, कहने लायक नहीं। और जगह खाए कैसा लगा? और जगह टेस्ट, और जगह नहीं है, मतलब होटल उटल में खाए, फाइव स्टार तक होटल में खाए, उससे भी बेहतरीन लगता है। फाइव स्टार होटल से ही बढ़िया है। हाँ, बेहतरीन है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ कस्टमर है जो बारिश में भींग कर आए खाने के लिए कुछ दिन से, आपको कैसा लगता है बोलिए। देखिए यहाँ का मीट बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम बारिश में एकदम भींग के आए? बारिश में हम लोग खाने के लिए आए हैं बहुत दूर से, हम लोग बहुत सारा होटल में खाना खाए हैं, यहाँ का जो मीट और मटन है ना बहुत लाजवाब है। लाजवाब है, कैसा स्वाद कैसा है, मतलब कहाँ से आते खाने के लिए? बहुत अभी तो हम लोग छोटी से नदिया से आए हैं। कितने किलोमीटर दूर से आए? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर भींग के आए खाने के लिए। और भीड़ आपके सामने, मतलब कुछ देर हुआ यहाँ पे भीड़ आपको मिलने वाली, कैसा लगता है आपको यहाँ का आरा का मटन? बहुत बढ़िया, आने पर जो यहाँ का बना हुआ मिलता है ना खाना, वो कहीं नहीं मिलता है। चंपारण मीट हाउस है जो मीट के लिए स्पेशल है। मीट के लिए स्पेशल है, हांडी भी स्पेशल है यहाँ। हांडी चंपारण हांडी मीट जो है ना आरा के लिए स्पेशल और फेमस है, मशहूर है आरा में, सब कोई जानता है कि यहाँ पे अच्छा मीट मिलता है खाने के लिए। कितने साल से खा रहे हैं यहाँ पे? हम 5 साल से अधिक से यहाँ पर आते हैं जाते हैं खाने। यहाँ पे कहाँ से आते हैं खाने के लिए आप? हम यहीं पर रहते हैं बजाज शोरूम के पास। अच्छा। ये सब तो हम घर जा सकते हैं। हाँ।